Hello everyone, this is Priyanka Baghel and today I am going to teach you class 3, Hindi 2nd, chapter number 2 and the chapter name is Varnva Varnmala. Varnva Varnmala means alphabets, means alphabet. Okay, so now we are starting reading the chapter. बोलते समय हमारे मुंह से निकली आवाजें ध्वनि कहलाती हैं. As I have told you in the last chapter, जो भी हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं वो आवाज़ें निकलती हैं वो क्या कहलाती हैं, ध्वनि कहलाती हैं. यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है. यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है. जो ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती हैं बोलते समय वो भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं. इनके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते. जिन ध्वनियों के खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिनको दो हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता है, उन्हें वर्ण कहते हैं. किसे वर्ण कहते हैं? जिन ध्वनियों का भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं. हम सभी को अपने आसपास कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं. जब हमारे घर में कई तरीके की आवाज़ सुनाई देती हैं, कि जैसे बिल्ली की म्याऊं म्याऊं करने की आवाज़, तोते की टर टर करने की आवाज़ और गाड़ियों के चलने की आवाज़. इन आवाज़ों को ध्वनियाँ कहते हैं. जो आवाज़ें हमारे कान में पड़ती हैं, ध्वनियाँ जो जिनका कोई मीन्स नहीं होता, कोई सेंस हमारी समझ में नहीं आता, उन्हें हम ध्वनियाँ कहते हैं. ध्वनियों को तोड़ा जा सकता है. ध्वनियों को तोड़ा जा सकता है. कैसे तोड़ा जा सकता है? जैसे कोयल, कोयल को हमने तोड़कर तीन हिस्सों में लिख दिया, कोयल. इन्हें आगे फिर टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है. कैसे? जैसे का हाफ का. अगर नीचे किसी पे हलंत लग जाता है, ऐसे करके छोटा सा हलंत लगा हुआ है किसी भी लेटर पे, अगर ये हलंत लग जाता है तो इसका मतलब होता है हाफ का. मीन्स क्या होता है? हाफ का. और ओ, इस क पे छोटे ओ की मात्रा है तब ये पूरा होगा. क पे क्या है? छोटे ओ की मात्रा है. तो जैसे क ओ, क पे हमने ओ, क में इसमें क और क, इसे हम क्या पढ़ते हैं? को. तो इसमें दो अक्षर मिले हुए हैं, एक तो क कबूतर एंड ओ से ओखली. तो को को क ओ, क पे ओ की मात्रा. देन य अ, वेन एवर वी विल स्पीक एनी लेटर ऑफ द हिंदी अल्फाबेट्स. जैसे इन दिस य, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? य लिखा हुआ है. जैसे मैं बोलती हूँ म, तो म बोलने के बाद अ का साउंड आता है. वो किसका साउंड है? अ का साउंड है. जैसे मैंने बोला ख, तो ख मैंने बोला, उसके बाद अ का साउंड और सा अ का साउंड भी आ रहा है ना. जैसे इसमें य, तो य मैंने बोला तो अ का साउंड आ रहा है. ठीक है, ऐसे ही. तो य को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक तो या थी एंड दूसरा अ, उसमें अ छोटे अ का साउंड भी तो आता है. मीन्स कोई भी लेटर बिना मात्रा, किसी भी मीन्स उसको कोई मात्रा नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब उसमें छोटे अ की मात्रा है. किसकी मात्रा है? छोटे अ की मात्रा है. अगर जिस लेटर पर कोई भी मात्रा नहीं है उसमें किसकी मात्रा है? छोटे अ की मात्रा है. सेकेंड है ल, ल ये लिखा हुआ है ल, तो ल अ, ल में भी अ का साउंड आ रहा है. ल अ, अ है ना, तो ल अ. तो हमने क्या किया? पहले कोयल ध्वनियों को तोड़ा, कोयल, और उन ध्वनियों को फिर से तोड़ा और क्या कर दिया? क ओ य अ ल अ. इन ध्वनियों को जब हम लिखते हैं इन्हें वर्ण कहते हैं. जो ये ध्वनियाँ निकल कर हमारे पास आई इन्हें वर्ण कहते हैं. ठीक है, ये वर्ण इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं. अब क में से ओ अलग कर दिया, तो अब क यहाँ क रह गया, यहाँ ओ रह गया. अब इनमें क्या इनके हम टुकड़े कर सकते हैं? इनके टुकड़े तो हो ही नहीं सकते, इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके इनके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाते हैं. ठीक है, तो इनके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं. इन ध्वनियों को जब हम लिखते हैं तो इन्हें वर्ण कहते हैं. जैसे कोयल, तोता, राजा और मछली शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बने हैं. ठीक है, जैसे क, क को हमने क ओ या अ ल अ, क पे क लिख दिया, क पे छोटे ओ की मात्रा है तो छोटा ओ लिख दिया. हलंत इज नेसेसरी, जो मेन जो लेटर होते हैं उन पे हलंत लगाना जरूरी होता है. ठीक है, ये जो हलंत है ये जरूरी होता है लगाना. ठीक है, सो यहाँ लिखेंगे क ओ य. जब हम य पढ़ रहे हैं तो अ का साउंड आ रहा है, तो य अ ल अ, तो कोयल. तो कितनी ध्वनियों से मिलकर बना है ये कोयल शब्द? 6 ध्वनियों से मिलकर बना है. जैसे राजा, र आ, आ करना है ना, तो र आ ज आ. कितनी ध्वनियों से मिलकर बना है राजा? 4 ध्वनियों से मिलकर बना है. म छ अ ल ई. कितनी ध्वनियों से मिलकर बना है? 6 ध्वनियों से मिलकर बना है.
ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, ये सभी ध्वनियाँ कहलाती हैं वर्ण, ये सभी ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं वर्ण कहलाती हैं। अब वर्ण के प्रकार या भेद, वर्ण भी कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें नीचे दी गई तालिका में समझा जा सकता है। जैसे वर्ण, वर्ण के दो हिस्से हमने कर दिए, एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट स्वर। स्वर क्या होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी और दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। अ आ इ ई ओ ऊ रे सर सी ए ऐ ओ औ। ओके, ये सब ये 11 क्या है, हिंदी भाषा के स्वर हैं। जैसे इंग्लिश में ए ई आई ओ यू 5 वोवल्स होते हैं, वैसे ही हिंदी में 11 वोवल्स होते हैं। कितने वोवल्स होते हैं, 11 वोवल्स होते हैं। और इनको बोलने के लिए किसी और वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, इनको बोलने के लिए ये अपने आप ही बोले जा सकते हैं। जैसे ऊ ऊ उ ऊ ए ए ओ ओ ए ई आ अ, ठीक है, ऐसा करके इन्हें बोला जा सकता है। अब आते हैं हम व्यंजन पर। व्यंजन क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, जिन वर्णों के उच्चारण में, इन वर्णों के उच्चारण, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की, इन सब की सहायता ली जाती है, इन 11 लेटर्स की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे जैसे अगर हम क बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क, तो जैसे अभी पीछे मैंने बताया क अ, अ का साउंड आ रहा है क में, क में किसका साउंड आ रहा है, अ। तो इस क को बोलने के लिए हमें किसकी मदद लेनी पड़ रही है, छोटे अ की। किसकी मदद लेनी पड़ रही है, छोटे अ की। तो सेम आंसर क्या है इसका, सेम इसमें क्या बताया जा रहा है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है ना, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे हमने क बोला तो हमें अ की सहायता लेनी पड़ रही है, वैसे मैं बोलूँगी ख तो देन अ तो भी हमें अ की सहायता लेनी पड़ रही है। मीन्स इन सभी लेटर को बोलने के लिए हमें छोटे अ की सहायता लेनी पड़ रही है, ठीक है। अगर हम इस पर बड़े अगर मैं बोलती हूँ की तो हमें किसकी सहायता लेनी पड़ रही है, बड़ी ई की। तो इस पर की का पे ही तो बड़ी की मात्रा लग रही है, तो हमें की बोलने के लिए बड़ी ई की सहायता लेनी पड़ रही है। अगर मैं बोलूँ को तो मैं छोटे ऊ की ओ की सहायता लेनी पड़ रही है, को का एंड ओ देन को। ओके, तो ऐसे ही सभी लेटर्स को बोलने के लिए, यहाँ तक इन्हें बोलने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ती है, छोटे आ की। अगर हम बिना किसी डंडा मात्रा के अगर हम इन लेटर्स को बोलें, इन अल्फ़ाबेट्स को बोलेंगे, तो हमें छोटे आ की मदद लेनी पड़ेगी। और अगर हम कोई मात्रा लगाकर बोलते हैं तो मात्रा वाले अक्षरों की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। और हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। स्वरों की संख्या है 11 और व्यंजनों की संख्या है 33। नाउ संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजनों का निर्माण दो व्यंजनों के मेल से होता है, जिन व्यंजनों का निर्माण, ये जो व्यंजन है तो इनमें से कुछ ऐसे व्यंजन भी है जिनका निर्माण दो व्यंजनों के मेल से होता है, दो व्यंजनों की जरूरत होती है उसमें मेल से होता है, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब दो चीज़ मिलकर बनाएंगी तो उन्हें वो संयुक्त हो जाएंगी, है ना, तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन है, 6 से क्षत्रिय, 3 से त्रिशूल, 11 से ज्ञानी एंड 17 से श्रम, ठीक है। तो चलो देखते हैं किस किस से मिलकर बनते हैं ये। हम क्या पढ़ते हैं, संयुक्त व्यंजन, जिन व्यंजनों का निर्माण दो व्यंजनों के मेल से होता है, मीन्स दो लेटर्स को मिलाकर बनता है, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में कितने संयुक्त व्यंजन हैं, हिंदी भाषा में 6 3 11 4 संयुक्त व्यंजन। कितने संयुक्त व्यंजन हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं, ठीक है। तो चलो हम 4 संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे पहला है क्ष, पहला क्या है, क्ष, तो इससे हम क्या बोलेंगे, ये छत्री नहीं होता है, ये छाता नहीं होता, इसे हम छ नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे क्ष। क्या पढ़ेंगे हम इसे, क्ष। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ये हाफ क और श से मिलकर बनता है, किससे बनता है, मिलकर
हाफ का एंड श, तो इसे पढ़ेंगे क्ष क्ष। क्या पढ़ेंगे? हाफ का की पहले का की आवाज़ आनी चाहिए, उसके बाद क्ष की आवाज़ आनी चाहिए, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? क्ष। क्या पढ़ेंगे? क्ष। ओके, और फिर इसके बाद आते हैं सेकेंड लेटर पर, यह है त्रश त्रिशूल। क्या है ये? त्रश त्रिशूल। तो त्र को कैसे पढ़ते हैं? हाफ त एंड र, तो क्या होगा? त्र। क्या होगा ये दोनों मिलकर? त्र। ओके, क्या है? ज्ञा ज्ञानी। ज्ञा ज्ञानी हाफ जा जहाज और चूल्हा कैसे मिलकर बनता है? तो इसे पढ़ेंगे हम ज्ञ। क्या पढ़ेंगे हम इसे? ज्ञ। क्या पढ़ेंगे हम इसे? ज्ञ। और श्रश श्रम, श्राशीटी और रारत से मिलकर बनता है, तो इसे हम पढ़ेंगे श्र। क्या पढ़ेंगे हम इसे? श्र। ओके एवरीवन, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, टर्न द पेज। अब हम पढ़ते हैं अयोग वाह के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? अयोग वाह। हमने पीछे पढ़ा कि हमारे पास ये हिंदी के लेटर्स कितने होते हैं? अ से औ तक, अ से औ तक मात्राएं होती हैं, स्वर स्वर होते हैं, और क से ह तक और ज्ञ तक क्या होते हैं? क से ज्ञ तक व्यंजन होते हैं, और एक श्रश श्रम भी होता है। लेकिन यहाँ हमने दो लेटर अंग से अंगूर और बड़े अंग, इन दोनों के बारे में तो पढ़ा नहीं, तो इन दोनों लेटर्स को हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह। इन दोनों को क्या बोलते हैं? हम अयोगवाह। तो हम अयोगवाह के बारे में पढ़ते हैं। स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त दो अन्य वर्ण भी होते हैं, ठीक है? दो अन्य भी वर्ण हैं, छोटे अंग से अंगूर अनुस्वार, छोटे अंग को क्या बोलते हैं? अनुस्वार। तथा बड़े अंग को क्या बोलते हैं? विसर्ग। छोटे अंग को अनुस्वार और बड़े अंग को विसर्ग, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? छोटी अंग और बड़ी अंग को क्या बोलते हैं? अयोगवाह। छोटी अंग को अनुस्वार बोलते हैं और बड़ी अंग को विसर्ग बोलते हैं। ओके, ये स्वरों के पश्चात आते हैं, ये स्वरों के पश्चात आते हैं। जैसे हमने कोई भी स्वर बोला उसके पश्चात आए, ये न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन है। ये दोनों वर्ड्स जो हैं, न तो ये स्वर हैं और न ही ये व्यंजन है, ये अनुस्वर और अनुनासिक हैं। क्या है? अनुस्वर और अनुनासिक हैं। जैसे अंगूर, अंगूर ना, चांद है ना, जैसे मैंने बताया स्वर के पश्चात आते हैं चांद। मैंने क्या बोला? च, च पे आ का डंडा, आ, देन आफ्टर द, तो यहाँ आएगा ना चंद्रबिंदी, कहाँ आ रही है? यहाँ बीच में बोर्ड पढ़ रहे हैं। ऐसे अंग, छोटे अ पढ़ दिया, देन अंग, यहाँ दोनों अक्षर के बीच में अंग की अंदी आ रही है, ठीक है? तो आपने देखा ऊपर लिखे अंगूर शब्द में बिंदु लगा है, यह चांद शब्द में चंद्र बिंदु लगा का प्रयोग हुआ है। बिंदु को अनुस्वार कहते हैं, इस जो ये जो बिंदी होती है इसे तो हम अनुस्वार कहते हैं, है? तो चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं, और ये जो चंद्र बिंदु है इसे हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक। बिंदु को अनुस्वार और चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं, ठीक है? अनुस्वार का उच्चारण स्वर से के पहले व अनुस्वार सॉरी अनुस्वार का उच्चारण स्वर के पहले व अनुनासिक का उच्चारण स्वर के बाद होता है। अनुस्वार का उच्चारण स्वर से पहले तथा अनुनासिक का उच्चारण स्वर के बाद होता है। जैसे मैंने अंग, अंगूर और चंद, ऐसे इसका बाद में हो रहा है, चा के बाद इसके साथ में हो रहा है, ठीक है? जैसे कंग, अनुस्वार में कंचन, कंचन, तो हम इसे क पे पढ़ रहे हैं, चंदन तो च पे पढ़ रहे हैं, डंडा ओके तो इसे ड पे पढ़ रहे हैं, ठीक है? अनुनासिक गंव, गंव, पांव, चंद, ऐसे करके पढ़ते हैं, ठीक है? अब आते हैं विसर्ग। विसर्ग कौन सा होता है? बड़ी अंग, ठीक है? विसर्ग कौन सा होता है? बड़ी अंग। इसके उच्चारण में ह की आवाज़ आती है। इसका जब हम उच्चारण करते हैं, जब हम इसे बोलते हैं, तो हम तो किसकी आवाज़ आती है? ह अक्षर की आवाज़ आती है बाद में। कैसे? जैसे प्रातः तह, तो ह का साउंड आ रहा है पीछे, अतः अतः, पूर्णतः पूर्णतः, तो ह की आवाज़ आ रही है। शब्द में विसर्ग आता है। ये सब क्या है? ये सब विसर्ग हैं। तो इनकी आवाज़ में जब जब हम बोलते हैं तो पीछे किसकी आवाज़ आती है? ह की आवाज़ आती है। अब इसके अलावा भी कुछ व्यंजन हैं, उनका नाम है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन वे व्यंजन जो अन्य भाषाओं से आकर हिंदी में घुल मिल गए। कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो अन्य भाषाओं से आकर अपनी हमारी हिंदी भाषा में घुल मिल गए, उन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। जैसे जो यहाँ है आ, आ पे चंद्र, सिर्फ सिर्फ चंद्र, इसे पढ़ते हैं औ, ओके। ज, ज, इसे तो हम ज पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं? ज से जलेबी, ज से जहाज, इसे हम पढ़ेंगे ज, मीन्स थोड़ी सी वफरिंग का साउंड आएगा, है ना? फ, इसे पढ़ेंगे ढ, ढक्कन, ओके, ड, ढ, ओके। ये जो वर्ड्स हैं ये दूसरी भाषाओं से आकर हमारी भाषा में घुल मिल गए हैं। हमने देखा कि सभी स्वर व्यंजनों एक क्रम से लिखे हुए हैं,
तो सभी स्वर और जो व्यंजन थे एक क्रम से छोटे आ के बाद बड़ा आएगा, बड़े आ के बाद छोटी, छोटी के बाद बड़ी, ऐसे क के बाद ख, ख के बाद ग के बाद घ, जैसे देखें क्रम में लिखे हुए, एक लाइन में लिखे हुए, एक व्यवस्थित क्रम में लिखे हुए हैं ना। हमने देखा कि सभी स्वर और व्यंजन एक क्रम में लिखे हुए हैं। यह क्रम हमारे मुख के अंदर के अवयवों के स्पर्श के अनुसार एक क्रम में उच्चारित होते हैं ना। यह क्रम हमारे मुख के अंदर के अवयवों के स्पर्श के अनुसार एक क्रम में उच्चारित होते हैं, उसी क्रम से यह लिखे जाते हैं, ठीक है। तो एक क्रम में लिखे हुए हैं, है ना। अब आते हैं वर्णमाला पे। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला जैसे कि मैंने बताया कि सभी जो लेटर्स हैं वो एक क्रम में लिखे हुए हैं, छोटे आ के बाद बड़ा आएगा, बड़े आ के बाद छोटी ई, छोटी के बाद बड़ी, है ना, क के बाद ख, ख के बाद ग के बाद घ, घ के बाद ग के बाद छ, ज, झ, लाइक दिस, ठीक है। तो भाषा के समस्त वर्णों के क्रमबद्ध समूहों को, क्रम से लिखे हुए समूहों को, क्रम से लिखे हुए ग्रुप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? भाषा के समस्त वर्ण मीन्स सभी अल्फाबेट्स को, समस्त वर्ण मीन्स समस्त मीन्स सभी, वर्ण मीन्स अल्फाबेट। तो भाषा के समस्त वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने लेटर्स हैं? 44 वर्ण हैं, जिनमें 11 जिसमें 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर आओ पाठ दोहराएं। पाठ में जो हमने सीखा उसके बारे में बताया गया, उसमें कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो लिखे हुए हैं, ये आप लोग खुद पढ़ेंगे और यहाँ पे हमारे हमारा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। सो एवरीवन रिवाइज दिस चैप्टर एट योर होम एटलीस्ट ट्वाइस एंड देन लर्न द डेफिनेशंस एंड लर्न फिल द बुक एक्सरसाइज योरसेल्फ, ट्राई टू फिल द बुक एक्सरसाइज योरसेल्फ। ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।